13 अप्रैल को पुनः 13 वर्ष बाद श्री सूर्य नारायण महाराज इतिहास रचने जा रहे हैं। कन्या राशि के जीवन के अंदर जो विशेष परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और इस वर्ष 2024 के उस तारीख के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस परिवर्तन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो और यहाँ हम बात करने वाले हैं श्री सूर्य नारायण महाराज के राशि परिवर्तन। ये छोटा मोटा राशि परिवर्तन नहीं है मित्रों, क्योंकि ग्रह की योग की बात होती है, ग्रह की दशा की बात होती है। यहाँ जो ये ग्रह योग बन रहा है ये 13 वर्ष बाद इसलिए बन रहा है क्योंकि सूर्य मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति के साथ में पूरा 13 साल बाद इस समय आए हैं। और चलिए आपको समझाते हैं कि विशेष किस लिए होने जा रहा है। कन्या राशि वाले सबसे पहले ये समझिएगा आपकी राशि के स्वामी कौन है, बुध महाराज। और बुध से सूर्य का कैसा संबंध है, मित्रवत बहुत शुभ संबंध माना जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य नारायण महाराज को राजा की संज्ञा दी गई है। वहीं सूर्य किस राशि पर है, मेष राशि पर। तो मेष राशि मंगल की राशि जिसको सेनापति की राशि मानी जाती है, यानी कि सूर्य का सेनापति के साथ भी संबंध हो गया। तीसरा, सूर्य जब मेष राशि में परिवर्तन करेंगे तो वहां पर पहले से कौन मौजूद होंगे, उनका स्वागत करने के लिए स्वयं नवग्रह में मंत्री पद प्राप्त देव गुरु बृहस्पति। अब यह संयोग बहुत ज्यादा शुभ बन जाता है और इसीलिए मैं आपको ये निसंदेह कह सकता हूं कि ये महीना अपॉर्चुनिटीज का महीना है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य क्षेत्र के लिए आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति का ये अपॉर्चुनिटी का महीना है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले ये जानिएगा कि सूर्य नारायण की और देव गुरु बृहस्पति की जो युति है, चाहे किसी भी भाव में बन रही हो, हालांकि आपको बाद में समझाएंगे आपके अष्टम भाव के अंदर है, वहां पर आपको किस प्रकार का लाभ दे सकती है। सूर्य और देव गुरु बृहस्पति की जो युति होती है इसको कई क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कन्या राशि वाले सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाएंगे। शिक्षा में किसी भी प्रकार के पद को प्राप्त करना, किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर लेना, किसी भी शिक्षा में, किसी भी प्रश्न में और किसी प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, पास हो जाना, उसके लिए युति बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसी के अलावा यहाँ शिक्षा एक नॉर्मल स्टडी की बात हुई, परंतु जब सूर्य और बृहस्पति का संयोग बना है तो उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अच्छी नौकरी को प्राप्त करने के लिए बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए युति किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होती। यहां हम बात कर रहे हैं इस 13 साल बाद भी युति बन रही है इसके फल की। और इसी के अलावा देखा जाता है कि जो भी छात्र हमारे रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी चीज की शोध करना चाहते हैं, निसंदेह इसमें इस तारीख के बाद में, यानी लगभग 13 अप्रैल के बाद आपका शोध के प्रति जिज्ञासाएं बढ़ जाएंगी। और अगर बात करें आपके मन की बात, जो आप कहीं ना कहीं इस बात को बताइएगा जरूर करके, जो आपकी जो राशि के मालिक है बुध महाराज, वैसे तो आप बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हो, परंतु कन्या राशि वाले कई बार आप कुछ बातों को अपने मन के अंदर रख लेते हो और उस बात को आप किसी से शेयर नहीं करते, जिस कारण से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन बातों को सोच सोच करके आप दुखी होते रहते हो। कहीं ना कहीं ये कन्या राशि वालों पर एक प्रकार का प्रभाव देखा गया है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जब सूर्य का परिवर्तन होगा तो ये आपकी मन की बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए आपके व्यक्तित्व के अंदर ये परिवर्तन कर देगा। यानी कि सूर्य का परिवर्तन केवल एक छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, ये आपकी आत्मा पर, आपके नेचर पर होने वाला परिवर्तन है। तो आप मन की बात को स्पष्ट रूप से कह देंगे, किसी के प्रति द्वेष है, गुस्सा है, क्रोध है, किसी नाराज है, तो पहले अंदर से नाराज थे, ऊपर से नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं, ऊपर से ऐसे बोल दिया। परंतु अब यदि किसी के प्रति अगर द्वेष भाव रहेगा तो उसको मुंह पे बोलने वाले हो जाओ। ये छोटे छोटे परिवर्तन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस युति का प्रभाव देते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब राजा के द्वारा, देखिए राजा का मतलब यही नहीं है कि सीधा मोदी जी आकर को आपको वोट देंगे। राजा का तात्पर्य होता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कूल में हैं, तो वहां पर जो आपके अध्यापक हैं, जो भी आपसे बड़े हैं,
वो राजा के तुल्य है, राजा को सम्मान दिया जाता है। तो उल्टा यहाँ राजा के द्वारा आपको सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब आपके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा और सराहना के यहाँ पर योग बन रहा है। यानी ऑटोमेटिकली अगर आपके कामों में कुछ गलतियां हो जाती थी जाने अनजाने में, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप अपने आप को औरों से थोड़ा सा नीच और दबा हुआ महसूस करते थे, वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। आप कुछ ऐसा कार्य कर दें जिससे आपके हेड, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप जिस जॉब में करते हैं वहाँ के कोई एचआर या आपके बॉस आपसे खूब प्रसन्न हो जाए और प्रसन्नता में आपके लिए दो चार मीठी वाणी, मीठे शब्द आपके लिए कुछ बोल दें या सम्मान में किसी प्रकार का उपहार दे दें, ऐसी कोई संभावनाएं बन सकती है। वहीं देखिए पिता गुरु और बुजुर्गों का स्नेह तो यहाँ पर इस युति से प्राप्त हो ही जाता है। यानी ये वो समय रहने वाला है, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आपको आपके बड़ों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। देखिए सूर्य केवल एक परिवर्तन नहीं है, अगर इसको वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके पिता हैं, जो आपके अध्यापक हैं, ये सब सूर्य का प्रतीक माने जाते हैं, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की राह देखने के लिए मिलती है। तो आप कोशिश करें अपने घर में प्रतिदिन कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपके पिता है, तो कम से कम उनके अगर आप आशीर्वाद, वैसे तो आप आशीर्वाद लें, अगर आशीर्वाद भी नहीं ले सकते तो कम से कम उनसे दो शब्द मीठे आप बोल लें। अपने घर की ईशान दिशा को, ईशान कोणों को इस महीना आपको बहुत अच्छा स्वच्छ रखना है, साफ रखना है 13 तारीख के बाद विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप जॉब चेंज कर रहे हैं, चाहे आप मैरिज लाइफ में बेटरमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप लव रिलेशन को लेकर के या शादी को लेकर के किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, तो ये महीना वो अपॉर्चुनिटी वाला महीना हो सकता है। ज्ञान और अध्यात्म में रुचि, इसका अलग ही आपको विस्तृत तरीका में बताऊंगा कि यहाँ ये बात, परंतु ये बात हकीकत है कि सूर्य आत्मा के कारक है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। आपकी आत्मा के अंदर अपने आप को बढ़ाने की, नॉलेज को एकत्र करने की एक भावना जरूर जागृत हो सकती है। चलिए बात हुई सूर्य बृहस्पति की युति की, अगले सेगमेंट पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र सूर्य जब मेष राशि में आते हैं तो उच्च राशि के हो जाते हैं, इनको उच्च का माना जाता है, और जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं तो इनको कई क्षेत्रों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे कि अगर सूर्य उच्च राशि में होंगे तो सरकार की नजर में आपका आना तय हो जाता है भैया। आपके कोई कार्य, आपका कोई प्रशंसनीय कार्य, आपकी कोई ऐसी एक अद्भुत शक्ति जो कि छुपी हुई है लोगों की नजर में, तो है कुछ लोगों की नजर में, परंतु जहां उसको वास्तविक होना चाहिए वहां वो नजर आपकी आ ही नहीं पा रही, तो हो सकता है आप किसी ऐसे क्षेत्र पर चले जाएं, कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ जाए, आपको उसके बारे में ज्ञान ना हो और आपकी अद्भुत शक्ति जो आपको पता है कि ये काम आप औरों से बेहतर करते हो परंतु औरों से अलग करते हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में आ जाए जिसके लिए आपको वो जीरो से हीरो बनाने की क्षमता रखते हैं। आप समझ चुके होंगे, कई बार कहते हैं ना हीरे की परख जोहरी को होती है, तो वह जोहरी और आप हीरा, यानी वो आपकी तलाश में इस महीने आ सकता है, जो वाकई में आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। देखिए सरकार के साथ सेवा करने का मौका कई बार मिल जाता है, परंतु कई बार जब आपको इस महीने अगर हेड कोई काम बोले करने के लिए तो आप उसको मना मत कीजिएगा, आप उल्टा अपनी सामर्थ्य से हो सके तो एक काम या दो काम उसको फालतू आप करके दे दीजिएगा, भले आपके आपस में कितनी ही तनातनी क्यों ना चली। अच्छा ये देखिए अच्छी चीजें इसलिए भी हैं, सूर्य अब तक किसके साथ में थे, राहु महाराज के साथ में, तो कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं आप इस चीज को लिए आप जरूर एग्री करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने चीज महसूस करी होगी आपके वर्क प्लेस पर, जो आपके हेड हैं जो आपको काम देते हैं, जहाँ से आपको काम करने के लिए क्या करना है वहाँ ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, वहीं से आपने कहीं ना कहीं दबाव, एक प्रेशर का अनुभव किया होगा, उस प्रेशर के अंदर आप काम कर रहे होंगे और ना चाहने के बाद में भी, मन ना होने के बाद में भी आपने कामों को किया होगा, आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि तू कर क्या रहा है, इससे होगा क्या, अपने अपने मान सम्मान को ठेस पहुँचा करके भी यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। तो आपके साथ में अगर ये चीज हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो यही सूर्य जब उच्च राशि में पहुंचेंगे तो आपका ये तनाव जो है वो कम कराने वाला है। देखिए इसी के अलावा अगर बात करें कि जिस भाव में सूर्य का आपका गोचर होगा, ये बात वास्तविक है, उच्च स्तर के शत्रु आपके रहने वाले हैं। जी हाँ, उच्च स्तर के शत्रु, यानी जिस स्तर पर आप हैं उससे अपर लेवल का शत्रु, जहां तक बात होती है ऐसा शत्रु कई क्षेत्र पर होता है, वह व्यक्ति जो कि आपके वर्क प्लेस पर ऑलरेडी आपसे काम कर रहा है,
और उसकी जो वैल्यू है वो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति आपको ऊपर उठता हुआ देखकर, आप किसी बिजनेस में भी हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप वर्क प्लेस पर जॉब भी करने वाले हो सकते हैं, उसके मन में आपके प्रति एक सड़न पैदा होने के योग प्रबल बनते हैं। हालांकि जिस तरह से सूर्य जब उच्च राशि में आते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति उन शत्रुओं को परास्त करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि अहंकार यहां बिल्कुल नहीं करना होता। अहंकार मुक्त होकर के मान लीजिए कभी आपने अपनी मेहनत से कोई दो चीजें प्राप्त कर ली, और ये नहीं कि आप उसका जंगे 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 गुणगान करते हुए फिर रहे हैं। उस स्थिति में वो भी एक अहंकार का पार्ट होता है कि आपको दो चीजें मिली नहीं कि वही उनको बोलना शुरू कर दें। इन चीजों से समय बचाव करके रखना पड़ेगा। देखिए, शत्रुओं पर विजय पाने की जो कोशिश है और आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की जो कोशिश है, जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं उस कोशिश को कई हद तक सफल करा देते हैं। और कार्य में कुशलता, कार्य में सफलता के तो योग बनते ही हैं। सबसे बेटर जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में प्राप्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को, उन लोगों के लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ, ये बात अच्छी है, सूर्य राहु के साथ में थे, कहीं ना कहीं आपको जो साहसिक फैसले लेने थे, तुरंत डिसीजन लेने थे, बड़े डिसीजन लेने थे, उनको आपने डिले कर दिया, अभी नहीं लेते। कहीं ना कहीं मन में घबराहट, ये डर पैदा हो रहा था कि अगर ये डिसीजन हमने गलत ले लिया बहुत बड़े प्रॉफिट की जगह बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। अगर आपके साथ में हुआ है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। हाँ, अति उत्साह के साथ में फैसला लेना कई हद तक ठीक भी और खराब भी। उत्साह ले परंतु थोड़ा धैर्य के साथ में ले, क्योंकि सूर्य जब उच्च राशिगत होते हैं तो आपको कहीं हद तक ऐसे में व्यक्ति ऐसे निर्णय भी ले लेता है जिनसे जिनमें कहीं ना कहीं रिस्क भी होता है, तो ऐसे में रिस्क लेकर के ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये बात हकीकत है। परंतु कई बार जल्दबाजी में वो रिस्क नुकसानदायी साबित हो जाता है। देखिए, विवेक से फैसला लेना ये तो मैं आपको कहूंगा ही कहूंगा, क्योंकि उच्च गत राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है ऐसे में व्यक्ति कई बार अपनी शक्ति के अनुसार जो फैसला लेता है और विवेक को वहां इस्तेमाल ही नहीं करता, वह आक्रामकता में आकर के कर लेता है। ये एक बात हुई। अगर कन्या राशि वाले आपके भाव के अनुसार ये फलादेश हम देखें, ये तो बात हुई सूर्य गुरु का क्या फल है, सूर्य मेष राशि में क्या फल देते हैं, असली बात ये आपके लिए बड़ा परिवर्तन क्या करें, तो बड़ी बात होती है कि आपके लिए जो सूर्य है ये द्वादश भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव के अंदर जा रहे हैं। कन्या राशि वाले जितने भी हमारे युवक हैं, अब ये कुछ ऐसे परिवर्तन है जो इस समय आपके साथ में जरूर घट के रह सकते हैं। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बस बताता चला जाऊंगा। देखिए, जो अचानक बड़े बड़े नुकसान हो रहे थे, है ना, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो, ये आपके जीवन के अंदर घटित हो रहे थे और कोई नुकसान आपने छोटे छोटे झेले, कोई बहुत बड़े बड़े नुकसान आपने झेले फेस करे हैं, ये नुकसान से आपकी रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए आप अपने ही आप कुछ परिवर्तन अपने जीवन के अंदर इस समय कर सकते हैं, और कहीं हद तक ये परिवर्तन आपका सफल हो जाएगा, जिससे जो बड़े बड़े लॉस हो रहे थे इनसे आप पूरे सेफ जोन में हो जाओ। दूसरी तरफ अगर कोई किसी प्रकार का केस चल रहा है, देखिए सबके लिए बात नहीं हो रही, परंतु कन्या राशि के ऐसे लोग जिन पर वास्तविकता में कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, क्योंकि कन्या राशि के करोड़ों लोग हैं, सबके साथ में तो सेम घट चीज घटे ऐसा नहीं है, परंतु अलग अलग फैक्टर्स पर जीवन में ये चीजें होती है, तो पॉजिटिविटी बता रहा हूँ। दंड से बचाव, दंड से सुरक्षा, दंड में किसी भी प्रकार की, यानी कि अगर आपको लगता है कि वास्तविकता में यहाँ पर आपको दंड मिल सकता है, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी परिवर्तित होने वाली हैं कि फैसला आपके पक्ष में आ जाए और दंड प्रावधान लगभग लगभग समाप्त हो जाए। तीसरी तरफ सूर्य एक ऐसे भाव में जा रहे हैं जिसके अब कारक नहीं माने जाते, परंतु जब द्वादश भाव का मालिक अष्टम में जा रहा है तो कुछ बहुत विशेष परिवर्तन होता है। यहाँ पर वे लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा जो थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी मन से मानते हैं। देखिए, बारहवां घर जहां जो गुप्त चीजों का दिखाया जाता है, बारहवां घर जहां खर्च का दिखाया जाता है, गमन का दिखाया जाता है, नुकसान का दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं ये भाव सेक्स को भी दिखाया जाता है, तो ये चीजें कुछ कार्य इसमें बारहवां घर में इस प्रकार से है, जैसे निवेश करना, व्यक्ति हर बार बता करके नहीं करता, सेक्सुअल एक्टिविटी करना बता करके नहीं करता, पर स्त्री गमन, भोग विलासिता का सुख,
हर व्यक्ति को पता करके नहीं करता। उसका संबंध आपके अष्टम भाव से होने जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गुप्त विद्याओं का, साधनाओं का, तंत्र क्रियाओं का ओकल्ट का भाव माना जाता है। देखिए अब यहां पर बारी बारी सुनिएगा, यहां पर आध्यात्मिकता में रुचि 100% आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। डिवाइन पावर को प्राप्त करने की इच्छा, उस ईश्वरीय शक्ति से अपना कनेक्शन जोड़ने की इच्छा इस समय प्रबल हो सकती है। अगर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से आपकी चल रही है, ये बीमारी अचानक से आप देखोगे कम होने लगी है, रिलीफ मिलने लगा है। पहले बीमारियों में, दवाइयों में आराम नहीं मिलता था, अब दवाइयों में थोड़ा पैसा भी कम खर्च हो रहा है, कई हद तक कुछ को आपको बेनिफिट, कुछ आराम भी मिल रहा है। परंतु सूर्य जैसे उच्च राशि में होता है तो कहीं ना कहीं ये आपके स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में क्रोध, एग्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना जरूर रहती है। इसलिए अगर आपकी इन चीजों संबंधी कोई मेडिकेशन चल रही है तो आप दवाई प्रॉपर लें। देखिए बाई आंख में अगर कोई भी आपको जलन है, बाई आंख में किसी प्रकार की समस्या है, उसको यहाँ दूर कर देते हैं। और एक सबसे गुप्त बातें मैं आपको बताऊंगा जो अब घट सकती है। कई बार लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपका बुरा चाहने के लिए कुछ कार्य करते हैं और आपको उन गतिविधियों का पहले पता नहीं लगता, जिस कारण से क्या होता है कि आप उनके चक्कर में या जो वे कार्य जिस प्रकार से आपको फंसाने कार्य करते हैं वो आप फंस जाते हैं। परंतु अब कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है कि जो लोग आपके पीछे जो षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको पहले ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे पीछे मेरा बुरा चाहने का कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप उससे सतर्क हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। यहाँ देखा जा सकता है कि जिन लोगों के साथ में गुप्त बीमारियां चल रही हैं, वे गुप्त बीमारियां अचानक कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और ऐसे में उन समस्याओं में कमी भी आ जाएगी। ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा, द्वादश भाव जिन चीजों से रिलेट करता है मैंने आपको बताया। बहुत समय से अगर आप किसी ऐसे गलत व्यक्ति के साथ में थे जिसने आपकी जीवन को दूभर बना दिया था, उसके किसी राज का पर्दाफाश हो सकता है, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है। वहीं बड़े और लंबे समय से जो काम आपके चल रहे हैं, उन कामों में जो देरी हुई है, वो पेंडिंग हुई है, वो अचानक समाप्त होकर के वो कार्य भी सफल हो सकता है, वो ऐसा रुका हुआ कार्य है। और सबसे बड़ी बात, कुछ आपके ऐसे कारण बने हैं जिनके कारण से आपने वास्तविकता में बहुत लॉस उठाया है और ये बात आपको पता है। बात आती है कि जब तक आप उनके कारणों को एक्सेप्ट नहीं करोगे और उन पर अवरोध या रोक नहीं लगाओगे, तब तक ये चीजें इस प्रकार ही नुकसान देती रहती है। तो यहाँ अब आप अपने निर्धनता के कारण को, अपने नुकसान के कारणों को समझ करके उन पर रोक लगाने वाले, बहुत बड़ा फैसला आप लेने वाले हो। देखिए समय और धन दोनों ही एक चीज होती है, परंतु जब इन चीजों का नुकसान होना, कि धन का भी नुकसान हो रहा है उसके अलावा समय का भी, यानी जो आप परिश्रम कर रहे हो उसका भी नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब इस अवस्था में आपका समय जिस कार्य में लग रहा है उसमें सफलता के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। यहां अगर बात करें कुछ गोपनीयता की, तो जैसे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कुछ ऐसे गोपनीय कार्य है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, कुछ किसी को गुप्त रूप से पैसा देना, चाहे वो फिर अच्छे कार्य के लिए हो चाहे फिर वो गलत कार्य के लिए हो, कई बार अपने पार्टनर को, कई बार सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और कई बार अपने पार्टनर को, किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए धन को खर्च करना, स्पेंड करना इस महीने दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि ये कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप अपनी फैमिली को ना पता लगने दें और इन कार्यों को कर दें। हाँ, ये बात की कहते हैं कि गुप्त दान भी आप करोगे, वैसे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तो रहना 101% है, चुपचाप परिवर्तन है ना, आपको कहीं जाना है, कल तक किसी को नहीं पता, अचानक आज परिवर्तन बन गया और आप बैग निकल करके निकल गए। कई बार तो ये परिवर्तन आप खुद से सोचोगे कि यहाँ जाना तो आज मैंने विचार नहीं किया था, फिर भी मैं निकल गया। और देखा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने का स्वभाव आपके मन में कहीं ना कहीं रह जाता है। कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उसमें कमियां या खूबियां निकालने के लिए इन्वेस्टिगेट करोगे, उससे बातचीत करोगे, वास्तविकता में ऐसा है भी या केवल आपको नुकसान या फिर आपको ऊपर आपको बड़ा चढ़ा करके बताने के लिए इस प्रकार से बोल रहा है। तो ये आपका स्वभाव रहने वाला है। जब यहाँ सूर्य आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे तो आपकी जो इच्छाएं रहेंगी वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के प्रति बढ़ सकती हैं, या तो ओकल्ट में, या तंत्र में, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ सकता है, ये बात वास्तविक है। ऐसे में
आदत से मजबूर होकर के कुछ कार्य आप ऐसे हैं जो कि रोक नहीं पाते और कर देते हैं। देखिए स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें जिन पर व्यक्ति कभी कभी ध्यान देता है, डरता है, परंतु उनको महसूस नहीं कर पाता। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज की जिनको बोलते हैं भूत, प्रेत, नजर, टोक और दोष। ऐसे में कुछ ऐसी चीजों का आपको अंदर से अनुभव होगा कि ये चीज आपके कहीं ना कहीं आस पास है। सब लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता, परंतु कन्या राशि वाले अगर आपके साथ में ये सभी चीज हो रही है तो मैं आज आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जीवन के अंदर सभी समस्याओं को, सभी दुखों को नष्ट करने वाली है श्री विद्या। श्री विद्या उपासना से बढ़कर के दूसरा कोई तंत्र नहीं है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। षट कर्मों के सबसे प्रभावी उपाय, सबसे प्रभावी क्रियाकलाप श्री विद्या तंत्र के अंदर है। तो अगर आप इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करना चाहते हो और इस ओकल्ट की दुनिया के अंदर प्रवेश करना चाहते हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों ये सब जानकारी हमने आपको बताई सूर्य का परिवर्तन आपके लिए कैसा है, और आशा करते हैं वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री।